क्लास 11। आज हम त्वरण और मंदन के बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिएगा, आपके जो सिलेबस में 30% का डिडक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं और वो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको त्वरण के बारे में बता रहा हूँ। वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती ठीक। अब वस्तु का वेग में भी परिवर्तन होने लगा, इसका मतलब क्या है? जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक के एक इंडिकेटर आपका 2, 4, 6, 8 ऐसा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है प्रति सेकेंड आपका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से कैसा हो रहा है, बदल रहा है। जब आपकी गाड़ी का प्रति सेकेंड वेग में परिवर्तन होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? त्वरण बोल देते हैं। तो हम त्वरण को ए से शो करते हैं। ए बराबर, ये सदिश राशि है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल को मैं ऐसा शो कर देता हूं। इसलिए ए बराबर वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v1 माइनस v2 अपॉन t1 माइनस t2। इसको मैं ऐसा भी शो करता हूं, ए बराबर डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक, वेग की इकाई क्या होती है? दूरी बटे समय, यानी मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड ये आ गया तो इसकी इकाई क्या कहलाएगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या कहलाता है? त्वरण। तो वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसको पॉज करके या पीडीएफ फाइल में आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने एक त्वरण को क्या बताया? त्वरण ए बराबर डेल वी अपॉन डेल टी। यूनिट कितनी हो गई? मीटर प्रति सेकेंड होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक, अब यदि हमारे पास क्या कहलाती है? यदि वस्तु का वेग प्रति सेकेंड बढ़ता है तो सामान्यता है त्वरण या धनात्मक त्वरण कहते। तो देखिए, अब वस्तु का वेग अब प्रति सेकंड कैसा होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी अगर आप बाइक को चला रहे हैं और बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड या वेग कैसा हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। उस कंडीशन में वस्तु क्या कहलाती है? त्वरित कहलाती है। अब आप अगर गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप देखिए, उसके एक्सेलरेटर को कम करिए तो धीरे 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 करके उसकी स्पीड या वेग या त्वरण कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। तो
तो हम इसको मंदन कहते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, मंदन। ठीक, मंदन का मतलब क्या होता है, यदि वेग प्रति सेकेंड कम होता जाता है, कम होता जाता है या ठीक त्वरण कम होता है तो इसे मंदन कहते। यदि प्रति सेकंड वस्तु के वेग में कमी होती जाती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, मंदन कहने लगते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अगर एक्सेलरेटर दीजिए, त्वरित करिए, ऐसा करके उसकी स्पीड को बढ़ाइए तो वो त्वरण, और अगर आप ब्रेक लगाते हैं या एक्सेलरेटर कम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। तो अब आप देखिए वेग त्वरण दूरी इन सब से आप परिचित हो गए होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, गति के समीकरण को प्रूव करता हूँ। तो गति के समीकरण, सबसे पहले ध्यान रखिए गति के समीकरण के लिए, माना हमारे पास कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक ए पर, इसका प्रारंभिक वेग u है और यह अपनी दूरी प्रति सेकंड चलते हुए यहाँ पर आती है, कहाँ पर आ जाती है, v पर। तो इसका वेग कितना जाता है, v हो जाता है। मान लो ये अपनी कुल दूरी s तय करती है और इसमें लगा हुआ समय t है, ठीक। तो मैं यहाँ पर ऐसा लेके चलता हूँ और वस्तु की इस वेग, वस्तु का वेग प्रति सेकंड एक सा बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर त्वरण कैसा है, त्वरण a चर है। देखिए मैं यहाँ पर जो डिफाइन करता हूँ तो u हमारे पास प्रारंभिक वेग हो गया, ये हमारे पास अंतिम वेग, अंतिम वेग, s कुल चली दूरी, t कुल लगा समय और a बराबर त्वरण, और इसका मान हम क्या लेके चलते हैं, अचर लेकर चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, एक कार यहाँ पर आई तो मैंने उसका देखा, उसका कुछ वेग था और वो एक अपनी स्पीड को एक समान रूप से बढ़ाती जा रही है। जब एक समान वेग से वो आगे चल रही है, यानी अपना वेग को प्रति सेकंड बढ़ाते जा रही है, इसका मतलब त्वरण एक ऐसा होगा, अचर होगा। अपने वेग को प्रति सेकंड ये क्या कर रही है, बढ़ाते जा रही है, यानी वेग तो बढ़ रहा है लेकिन समान समय में समान अंतराल पर उसके वेग की वैल्यू कैसी होती जा रही है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब त्वरण एक ऐसा होता है, अचर होता है। इतने कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। जब हम इसको लेकर चलते हैं तो गति का प्रथम नियम यहाँ पर प्रूव करते हैं। प्रथम नियम हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए, ये हम लेकर चलते हैं। तो देखिए आपके पास क्या कंडीशन आ रही है, मान लीजिए मैं इसको लेके चलता हूं, तो अब भी हमने क्या बताया, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन
बटे समय अंतराल। ये मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल त्वरण कहलाता है। तो मान लीजिए यहां पर आपके पास त्वरण ए है, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग यहां पर मेरे पास कितने के बराबर है, वी। प्रारंभिक वेग कितने के बराबर है, यू। ठीक, जब हमने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया था तो यहां पर टाइम टी इक्वल टू कैसा था, जीरो। वस्तु चलते आई तो यहां पर टाइम टी इक्वल टू कितने के आ गया, टी के इक्वल आ गया। तो वेग समय अंतराल कितना जाएगा, टी माइनस जीरो। देखिए आपके पास क्या होगा, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। देयर फोर वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए टी। ठीक, ए टी को यहां कर दीजिए प्लस यू, रीअरेंज कर दीजिए तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण यहां पर प्रूफ हो जाता है। तो गति का पहला समीकरण कितने के इक्वल हो गया, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको देख लीजिए, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। देखिए ए यहां से मल्टीप्लाई किया ए इंटू टी, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस समीकरण की मेरे को यहां पर कई बार जरूरत पड़ेगी, इसको समीकरण नंबर एक कर दीजिए। ये पहला समीकरण यहां पर प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट करेंगे या इसको पीडीएफ हम यहां पर दे रहे हैं उसके थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अपन गति का दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम हमारे पास क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये निकल आता है। ठीक, तो गति का दूसरा नियम करने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, औसत वेग ले लेता हूं। औसत वेग को मैं वी एवरेज से लेके चलूं, औसत वेग मैंने आपको समझाया था। ठीक, तो वी एवरेज यहां पर कितना हो जाएगा, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का सम माइनस अपॉन टू। अब आपको मालूम है वेग बराबर कितना होता है, या इसको ऐसा कर लीजिए, तो देखिए वेग बराबर कितना होता है, यह जाएगा आपके पास दूरी बटे समय। तो देखिए मैं यहां वेग की जगह औसत वेग ले लेता हूं, वी एवरेज, आप इसको एवरेज लिख लीजिए। ठीक, दूरी कितने के बराबर हो गई, एस, चला गया समय टी के बराबर। तो देखिए आपके पास कितना जाएगा, एस बराबर वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज की वैल्यू कितने के इक्वल है, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। एस बराबर कितना आ जाएगा, यू। अब ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर आपको ऑलरेडी बता दिया है समीकरण नंबर एक से कि वी इक्वल टू कितना होता है, यू प्लस ए टी। ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास, वी की अपॉन टू इंटू टी। इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए आपके पास यहां पर कितना हो जाएगा, एस बराबर ये कितना होगा, यू प्लस यू टू यू, ये हो गया आपके पास ए टी।
इंटू टी अपॉन टू, और सॉल्व कर लीजिए, एस बराबर ये टू टू कैंसिल, टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए यू टी, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ टू है नहीं तो एक बटे दो ए इंटू टी टी स्क्वायर। तो आपके पास गति का दूसरा नियम यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। इसको आप पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। यस, अब गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अब भी मैंने आपको ये कराई दिया है कि औसत वेग बराबर यू प्लस वी बाई टू, वेग बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं औसत वेग लेके चलूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, वी एवरेज, दूरी कितने के बराबर है, एस समय टी है, तो एस बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वी एवरेज इंटू टी, वी एवरेज की वैल्यू रख दो, कितने के इक्वल हो जाएगा, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी की वैल्यू के। मैं क्या करता हूं, आपके पास समीकरण एक है, इसको समीकरण दो दे दो। ये मैंने पहले समीकरण को सिद्ध करने के लिए ये अपन को प्रूफ किया जा चुका है। आप क्या कर लीजिए, समीकरण एक से टी का मान, टी का मान निकाल लो, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए। समीकरण दो में रखने पर आप समीकरण दो में ये वैल्यू रख दो, एस बराबर ये कितना है, यू प्लस वी, ठीक है, इसको मैं वी प्लस यू लिख देता हूँ बाई टू, और t की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, यहाँ पर v माइनस यू बाई ए, ठीक। इसको सॉल्व करिए, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कितना जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। तो मेरे पास क्या निकलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, या इसको और एक स्टेप में कर दे रहा हूँ, यहां पर ऐसा लिख देता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वाइस ए एस, देयरफॉर क्या समीकरण निकलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये समीकरण आपका आ जाता है। तो ये गति का तीसरा नियम यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। ये तीनों समीकरण को आप नोट कर लेंगे, इनका प्रूफ देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कॉपी आपकी चेक होगी, आपकी इंटरनल मार्किंग इस कॉपी के नंबर पर भी डिपेंड करेगी, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट कर लो।